हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? अभी शाम का टाइम है और मम्मी पापा चले गए थे, तो उसके बाद मैंने घर को क्लीन करने करने में लग गई थी। बिस्तर एक जगह रखना था, ये सारी चीजें, सो बस वही कर रही थी। और मम्मी पापा चले गए हैं, उदास थे, मैंने देख लिया था, मम्मी की आंखों में आंसू थे, रो रही थी वो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, खैर वो चले गए हैं। काफी देर तक हम लोगों को भी नहीं अच्छा लगा, बच्चा सो गया, दक्ष मैं सो गया था टाइम पे तुरंत उनके जाने के बाद, रो रो कर, और दक्ष बहुत भाग रहा था उनके पास, और बस हम लोगों को भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो वो बस काम में लगे हुए थे, काम ज्यादा थे तो क्या कर सकते, लगे हुए थे। और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया था। ये देखिए, ये सारे कपड़े हैं ना, ये बिस्तर उस तरह बिछाए थे तो वो सारे उठा कर रख दिए हैं। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए। क्या है वो मैं बताती हूँ। एक्चुअली मुझे अभी करनी है पैकिंग, क्योंकि आज का दिन तो गया, कल हम लोगों को निकलना है ये शहर छोड़कर, तो इसलिए मुझे करनी है पैकिंग। कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, वो सब आप लोगों को वीडियो के थ्रू ही पता चलेगा, है ना। सो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, और जहाँ भी जाएंगे साथ लेकर जाएंगे। तो चलिए पहले पैकिंग कर लेते हैं, तो पैकिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। आप थोड़े से उदास हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर पैकिंग करेंगे, जहाँ जा रहे हैं उसके लिए खुश होते हैं, है ना। चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कैसे हो जरूर बताना कमेंट में लिखकर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए पैकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने काम पे। मैं अपने कपड़े तय लगाकर अच्छे से बैग में पैक कर रही हूँ, और मुझे नींद भी बहुत आ रही है, क्योंकि रात में ना अदक बहुत परेशान करता था, नींद पूरी हो नहीं पाती है, सुबह जल्दी उठ के काम में भी लगना होता है, और सर्दियां तो है ही, और सर्दी को देखते हुए तो कितना भी देर करो ना फिर भी लगता है कि बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। और यहाँ पे मैं कपड़े लगा रही हूँ, सारे पैक कर रही हूँ, पहले से ही छाट के रख लिए थे कि कौन कौन से लेके जाने हैं, बट मम्मी पापा आने वाले थे इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं अपने कपड़े जो ले जाने हैं उनको तय लगाऊं। सो हम लोगों ने क्या किया था, इसी बैग में उल्टे सीधे सारे कपड़े भर दिए थे, बनने का जब जाना होगा तब मैं निकाल के लगा लूंगी, और फिर मम्मी पापा के आने की तैयारी करने लगे। उसमें भी बहुत टाइम तो लगता ही है, वो घर को व्यवस्थित करना, चीजें एक्स्ट्रा चीजें निकालना, ब्लैंकेट हुआ, रजाई हुआ, बेड बिस्तर हुए, सो इन सब चीजों में भी तो समय लगता है, वो सब किया। और आध्या की मैम भी आई थी पढ़ाने, तो आध्या रेगुलर रोज मैम आती पढ़ाने, तो रोज वो पढ़ाई करती है। अभी वो अपना होमवर्क कर रही है, अभी वो कल और पढ़ाई करेगी, और उसके बाद फिर उसकी कुछ दिनों की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं, ये घर ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा वीडियो में। सो वीडियो को रोज देखिएगा और अच्छे अच्छे ब्लॉग को एंजॉय करिएगा। तो आधे अपनी पढ़ाई कर रही है, होमवर्क पूरा कर रही है, और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड बैग पैक कर रहे हैं, मतलब मैं पैक कर रही हूँ, वो मुझे कुछ चीजें ला ला के दे रहे हैं। सो बैग को ना खाली करना पड़ा था, आप सभी लोग जानते हो इस घर में ना अलमारियां वगैरह है ही नहीं एक भी, तो मेरे पास इतना किराए पर रहने के हिसाब से जो भी स्टोरेज है उनमें हम सब लोग कपड़े रखते हैं, तो नए जो कपड़े होते हैं या लहंगे वगैरह होते हैं इनको रखना ज्यादा जरूरी होता है, चूहे वगैरह आ जाते हैं तो काट देंगे, सो वो पहले ज्यादातर रखते हैं। तो जो लहंगे थे वो बैग वो में भरे हुए रखे हुए थे, तो एक बैग तो मुझे खाली करवाना पड़ा एक, क्योंकि एक बैग में कपड़े नहीं आ पाए। कोशिश बहुत की थी कि एक बैग में सारे कपड़े आ जाएं, बट नहीं आ पाए, तो फिर मैंने मुझे दूसरा वाला एक बैग लगाना पड़ा, तो मैं बच्चों के अलग कपड़े लगा दिए और मैंने और इनके अलग कपड़े लग गए। अभी इसमें बहुत सारे और सामान बाकी है रखने के लिए। अब सफर में कहीं जा रहे हैं और सर्दियां हैं तो ब्लैंकेट वगैरह भी जरूरत पड़ेंगे, वो भी रखना है, खाने का बॉक्स भी रखना है, मेरा मेकअप बॉक्स भी रखना है, ज्वेलरी भी रखनी है, कुछ छोटे छोटे मोटे इयररिंग्स और चूड़िया भी रखनी है एक दो। तो मुझे देखो नींद कितनी जोर आ रही है, तो हंसना नहीं आ रही है, सो आ रही है। और आप सब जानते हो कोई जब घर से जाता है तो घर को तुरंत झाड़ू वगैरह नहीं लगाई जाती है, हालांकि मम्मी पापा जब गए थे उनके जाने से पहले 2 से 3 बार झाड़ू पोछा सब लग चुका था, क्योंकि बच्चे हैं घर में, पता नहीं कहाँ खाएंगे कहाँ फैलाएंगे, कहीं पानी फैला देते, कहीं खाना गिरा देते, तो बहुत गंदा हो चुका था। तो जब वो लोग थे तब तो झाड़ू पोछा खूब लगा था, लेकिन जाने के बाद फिर एक झाड़ू नहीं लगाई जाती है, तो हम लोग रुक गए थे, सारे बिस्तर वगैरह सब उठा के रख दिए थे, लेकिन जो झाड़ू थी, जो अंदर का जो कूड़ा वगैरह बहुत सारा इकट्ठा हो गया रखा था, वो सब मैंने अब शाम को निकाला है, बहुत देर हो गई है, ऑलमोस्ट हल्का सा अंधेरा भी हो गया है, तो मैंने ये पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। मैं सॉक्स वगैरह सब पहने हुए हूँ बिकॉज सर्दी बहुत ज्यादा है, तो ये पूरे रूम की सफाई कर रही हूँ। ब्लैंकेट जो मुझे ले जाने हैं उनको धुलना भी पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास उतने ही ब्लैंकेट हैं जितने मम्मी पापा को भी दिए थे ओढ़ने के लिए, वही हम लोग ले जाना पड़ेगा।
सो बच्चों ने भी बहुत गंदे कर रखे थे, तो फिर मैंने सोचा एक बार वॉशिंग मशीन में डाल देंगे ना, तो ये रहेगा कि से साफ हो जाएंगे, धूप भी निकल आएगी तो सुखा देंगे। तो रात में हम लोगों ने धुल के डाल दिए थे, और इत्तफाक से कल धूप निकली ही नहीं, तो याकोब मैंने रात में धुल लिए थे, तो रात में अच्छे से थोड़े बहुत सूख गया। अब ऊनी कपड़े जो होते हैं, ब्लैंकेट हो गया या वुलन कपड़े हो गए, वो वॉशिंग मशीन में बहुत जल्दी सूख जाते हैं, सो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं हुई और वो अच्छे से सूख गए। तो मैं यहाँ पे पूरी साफ सफाई करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है जाने के लिए। आज सुबह भी अच्छे से लंच वगैरह नहीं हुआ था, मम्मी पापा जब गए हुए थे बैगन का भरता वगैरह पैक करा के लेके गए थे, तो हम लोगों ने जो पोहा जलेबी खाया था वो खाए हुए थे, उसके बाद वो नमकीन पूरियां मैंने बना ली थी वो भी खाई, मतलब एक दो ले ली थी खाने के लिए। तो ऐसा कोई प्रॉपर खाना जो होता है ना, सब्जी दाल रोटी चावल या फिर और भी कोई चीज बना लो, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो हम लोग भूख भी लग रही थी, शाम को इतना आलस आ रहा था, थके हुए थे, मन भी उदास था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो पराठा के लिए आटा लगाया मैंने, और बैगन का भरता बचा गई थी मम्मी, ज्यादा थोड़ा सा ले मतलब उनके हिसाब का ले गई थी, थोड़ा सा बचा गई थी हम दोनों के लोगों के हिसाब से। सो मैंने और इन्होंने और बच्चों ने बैगन के भरता से ही दो दो पराठे एक एक पराठे खा लिए हैं, उसी से पेट भर गया था हम लोगों का, मन नहीं किया करने का। और उसके बाद जो बैग वगैरह है वो भी अच्छे से लग गए थे, और ये एक साइड किनारे कर दिए हैं, जो पहन के जाने के कपड़े वो अलग निकाल दिए हैं। यहाँ आध्या और आध्या के पापा की मस्ती चल रही है, आध्या ऐसे ही खूब खेला करती है अपने पापा के साथ में, और वो जब से दख का जन्म हुआ तब से आध्या अपने पापा के कुछ ज्यादा ही अटैच आ गई। पहले मम्मा के पास बहुत, मतलब मेरे पास बहुत रहती थी, मेरे पास ही सोनी, उसे नींद नहीं आती मेरे बिना, अब उसको पापा के बिना नींद नहीं आती है, वो पापा की जान एकदम लाडली बन चुकी है। सो बस मैंने फटाफट से सारा काम निपटाया, बर्तन धुले, और यहाँ पे मैं चाय बनाने आ गई हूँ। मुझे थोड़ी सी नींद, आपको पता ही है कितना आलस सा आ रहा था, तो बहुत दिल कर रहा था मेरा कि चाय बना के पीऊँ, तो मैंने थोड़ी थोड़ी चाय बना ली है कि कब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग चाय पियेंगे, बच्चों को दूध दे देंगे, और दख की बॉटल भी एक तरफ बॉयल हो रही है उसे भी दूध भर के देंगे। तो इस तरीके से हमारा आज का तो ये काम पूरा निपट गया है, अब कल मैं जो भी होगा वो कल करूंगी काम। सो आज का जो जो वीडियो ये है थोड़ा छोटा है, लेकिन मैं इसमें कल वाला वीडियो भी इंक्लूड करूंगी, तो पूरा जरूर देखिएगा। मुझे अभी बर्तन भी लगाने हैं स्टैंड में, बिकॉज चूहा एक है बहुत परेशान करता है, वो क्या करता है जो इधर उधर का सामान कहीं भी उसे खाने को मिलता है वो सारा उठा के इसी बर्तन के सिंक में डालता है। सो मुझे सारे बर्तन भी स्टैंड में लगाने हैं, तो वो सारे काम करके बच्चों के लिए बोतल दूध में भर के बच्चों को दूध दे के फिर मैं आराम से थोड़ी देर बैठूंगी, और फिर मैं आपसे कल मिलूंगी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आज है 5 जनवरी और नेक्स्ट डे है, बैग तो कल ही लग गए थे आपको, कल दिखाया था ना मैंने, और कब शाम को सर्दा ज्यादा हो रहा था तो चाय पी के सो गए थे, फिर हम लोग, फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था। और हम लोग आज निकलने वाले हैं,
दाल चढ़ाइए बनने के लिए। और आज हम लोग ये शहर छोड़ के जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं ये सब आप लोगों को पता चलेगा, बस मेरे साथ चलते रहिएगा। आप लोगों को जरूर बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। बहुत मजेदार वाले व्लॉग्स हैं वो आने वाले। मेरी बिंदी जी इधर से उधर हो गई थी और मैंने ये ग्रीन वाला सूट पहना है। अभी मैं खाना बना रही हूँ, दोपहर में खाना खाएंगे, मतलब खाना वाना खा पी के और टिफिन खाना पैक करके तब निकलेंगे, है ना। अभी तो दाल बन रही है, दाल और राइस खाने का मन कर रहा था क्योंकि कल सारा दिन हो गया, मतलब ऐसे ही पराठे पूरी सब यही सब खाते हुए, तो मन नहीं है मेरा ये सब खाने का, तो दाल चावल बना रही हूँ, रोटी बनाऊंगी। और नाश्ता पैक करना है सफर के लिए, तो नाश्ते के लिए क्या क्या लेके जाना है वो सारी चीजें मैंने निकाल ली है। नाश्ते की प्रिपरेशन आप लोग मेरे कल वाले वीडियो में देखिएगा या फिर मैं शाम को अपलोड कर दूंगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखें।